हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल स्टेट ऑफ द कंट्री बाय फुली इंप्लीमेंटिंग द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड्स। भारत का कौन सा राज्य हर ग्रामीण घर में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना को पूरी तरह से लागू करने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। और ये हमारी राज्य सरकार कौन सी है, ये है गोवा। कौन सी राज्य सरकार है, गोवा। सबसे पहले गोवा के हमारे मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम, गोवा के जो हमारे सीएम है उनका नेम क्या है, उनका नेम है प्रमोद सावंत। उनका नाम है प्रमोद सावंत जी। और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है उनका नाम क्या है, उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जी क्या है, हमारे यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जो इन्होंने स्कीम शुरू की है टैप वाटर वाली, इससे क्या होगा, ये कवर करेंगे 2.30 लाख हाउस होल्ड्स को। द जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ये बोला है, और जल शक्ति मिनिस्ट्री के हमारे हेड कौन है, जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, जोधपुर राजस्थान। ठीक है, द गवर्नमेंट जल जीवन मिशन एम्ड टू प्रोवाइड पाइप्ड वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड्स बाय 2024। और इन्होंने एक अल्टीमेटम लिया है कि 2024 तक ये सारी जगह तक रूरल हाउस होल्ड्स तक क्या पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके ट्रिक देखते हैं। गो जल लाओ घर के लिए, गो जल लाओ घर के लिए, यानी कि गोवा सरकार पहली स्टेट बनी है जिन्होंने फर्स्ट हर घर जल स्टेट फुली इंप्लीमेंट किया है बाय रूरल हाउसहोल्ड को ये प्रोवाइड करके। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे गोवा के अंदर हमारा एक नेशनल पार्क आता है, उस नेशनल पार्क का नाम भी देख लेते हैं। उसका नाम है मोलम नेशनल पार्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोला जाता है। मोलम नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। महावीर गोवा के मॉल में गए, महावीर गोवा के मॉल में गए, महावीर से बनेगा भगवान महावीर नेशनल पार्क और मॉल से बनेगा मोलम नेशनल पार्क। हमारे पास दोनों में से जो भी ऑप्शन में हमें पता लगेगा कि मोलम है या भगवान महावीर है, तो वो कहाँ का है नेशनल पार्क है, वो है गोवा का नेशनल पार्क। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज मार्क्ड ऑन विच डे। बालिका का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन चिन्हित किया जाता है, और इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है हर साल 11 अक्टूबर को, ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी पहले तो थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है माय वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। अगर गर्ल्स के खिलाफ कुछ गलत हो ही ना, तो हमें ये दिन मनाना ही ना पड़े, है ना, बट अनफॉर्चुनेटली हम ये दिन मनाते हैं। अगर हम गर्ल्स की पहले से सेफ्टी करके रखें तो हमें ये दिन मनाना ही नहीं पड़ेगा। चलो, हमारे जितने भी डेट्स के पॉइंट है मैं आपको सबके ट्रिक एक साथ ही बताऊंगी, तो अगले देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। विश्व गठिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, और गठिया दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, ये दिन मनाया जाता है। और इसकी जो इस साल की थीम थी वो थीम क्या थी, इट इज इन योर हैंड्स टेक एक्शन, ये क्या थी इसकी इस साल की अर्थराइटिस डे की या गठिया दिवस की क्या थी थीम थी। ठीक है, डेट्स का पॉइंट लास्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 2020 इफेल ग्रैंड प्रिक्स। निम्नलिखित में से किसने 2020 का इफेल ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और इफेल का ग्रैंड प्रिक्स जीता है लुइस हैमिल्टन ने, ये क्या जीता है, इस बार का ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ठीक है, ये इनका लगातार सातवां है इस सीजन का, मतलब 2020 के अंदर इन्होंने टोटल ग्रैंड प्रिक्स कितने जीते हैं, 2020 के अंदर 7 जीते हैं। अब इसके ट्रिक देख लेते हैं। लो आइफल टावर पे चढ़ गया, लो से बनेगा लुइस हैमिल्टन, आइफल से बनेगा इफेल। इफेल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन सिलेक्टेड एज द बेनिफिशरीज ऑफ स्वामित्व स्कीम इन द फर्स्ट फेज।
पहले चरण में कितने राज्य को स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के रूप में चुना गया है और किस स्टेट्स को, कितनी स्टेट्स को चुना गया है? ये चुना गया 6 स्टेट्स को। अब इसके बारे में डिटेल बता देती हूँ आपको। पहली बात, स्वामित्व की फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सर्वे ऑफ विलेजेस, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड with improvised technology in village areas। ये क्या है, इसकी हमारी स्वामित्व की फुल फॉर्म है। देखो, एस फॉर सर्वे, ठीक है, वी ए क्या है, विलेजेस एंड, एम आई क्या है, मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक है, और वी ए फॉर विलेज एरियाज, ठीक है। एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। एंड इट इज एन इफेक्टिव स्टेप इन डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया। एंड द लॉन्च विल अनेबल अराउंड 1 लाख प्रॉपर्टी होल्डर्स टू डाउनलोड देयर प्रॉपर्टी कार्ड्स। यानी कि 1 लाख तक के जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, 1 लाख लोग इसमें प्रॉपर्टी कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम आर फ्रॉम 763 विलेजेस अक्रॉस 6 स्टेट। जो बेनिफिशरीज हैं, हमने यहाँ पे देखा 6 स्टेट्स हैं, उनमें से 763 विलेजेस को चुना गया है अक्रॉस 6 स्टेट्स के अंदर, जिसमें से मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, 364 है, 364 है यूपी से, ठीक है। उसके बाद है 221 कहाँ से है, हरियाणा से। उसके बाद हमारे पास है 100 कहां से चुनी गई है, महाराष्ट्र से, 100 महाराष्ट्र से चुनी गई है। उसके बाद 44 हमारी चुनी गई है मध्य प्रदेश से। उसके बाद हमारी चुनी गई है 2 कर्नाटका से, 2 कहां से की गई है, कर्नाटका से। और हमारे पास एक बची है, कौन सी बची है, 50 फ्रॉम उत्तराखंड, 50 कहां से की गई है, उत्तराखंड से, ठीक है। अब देखो, अगर 6 स्टेट्स की बात की जाएगी तो आएगी यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। अगर 763 विलेजेस का पूछा जाता है तो 364 यूपी, फिर हरियाणा 221, 50 उत्तराखंड, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश और 2 कर्नाटका से, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, What is the theme of the World Day Against the Death Penalty 2020? Death Penalty 2020 के खिलाफ विश्व दिवस की थीम क्या है? सबसे पहले दिन मनाया कब जाता है? ये दिन मनाया जाता है आपका 10th of October को, ये दिन मनाते हैं हम, 10th October को ये दिन मनाते हैं। अब इसके थीम, जो इस साल की इसकी थीम थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास Assess to Council a Matter of Life or Death। ये क्या थी, इसकी इस साल की हमारी थीम थी। अब देखो, अब हमारे पास 3 डेज आए थे, मैं तीनों की ट्रिक एक साथ बता रही हूँ। 10th को हमने किया डेथ पेनल्टी डे, 11th को हमने किया गर्ल्स चाइल्ड डे, 12th को हमने किया अर्थराइटिस डे या गठिया दिवस डे किया। अब तीनों की ट्रिक, पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर गर्ल्स को कुछ बोला, पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर गर्ल्स के साथ कुछ भी हुआ, चाहे वो अर्थराइटिस या गठिया रोग ही क्यों ना हो उन्हें, मतलब गर्ल्स की पूरी तरह से सेफ्टी रखनी है। पेनल्टी से पहले आएगा डेथ पेनल्टी डे, गर्ल्स से इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, फिर उसके बाद अर्थराइटिस भी हुआ तो, यानी कि अर्थराइटिस यानी कि गठिया दिवस मनाया जाता है हमारा 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर ट्री प्लांटेशन पॉलिसी। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार वृक्षारोपण नीति शुरू की है और ट्री प्लांटेशन जो पॉलिसी है वो की है हमारी दिल्ली सरकार ने, इसको शुरू किया है, दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसको लॉन्च किया है। एंड ही ऑल्सो गेव इट्स नोड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सेकेंड स्मोक टावर इन द वर्ल्ड एट कैनॉट प्लेस विद इन 10 मंथ्स। और उन्होंने ये बोला है कि स्मोक टावर भी आपको बनाना होगा कैनॉट प्लेस में और 10 महीनों के अंदर अंदर इसको बनाना होगा, ठीक है। अगला, नेक्स्ट है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग बीट सोफिया केनिन टू विन द वुमेन सिंगल टाइटल इन 2020 फ्रेंच टेनिस ओपन।
निम्नलिखित में से किसने सोफिया कैनन को 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में महिला एकल खिताब जीतने के लिए हराया है, और ये इस साल का इन्होंने फ्रेंच ओपन वुमेन्स कैटेगरी के अंदर जीता है, इगा स्वेटिक ने। किसने जीता है? इगा स्वेटिक ने जीता है। और ये कहाँ से है? यह पोलैंड से। ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये करती है पोलैंड से बिलोंग। मैं यहाँ लिख देती हूँ पोलैंड से। और अगर मैं बात करूं कि सोफिया कैनिन को इन्होंने हराया है, सोफिया कैनिन कहां से बिलोंग करती है? अमेरिका से बिलोंग करती है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। फिर राफेल जीत गया एक बार और, फिर राफेल जीत गया एक बार और। मैंने यहां पे राफेल का नाम इसलिए लिया क्योंकि मेंस कैटेगरी के अंदर राफेल नडाल ने जीता है और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर जीता है इगा स्विटिक ने। तो मैंने क्या बोला? फिर से बनेगा फ्रेंच टेनिस ओपन। राफेल जीत गया यानी कि मेंस कैटेगरी के अंदर राफेल नडाल ने जीता है, और एक बार और, एक से बनेगा इगा यानी कि इगा स्वेटिक ने जीता है वुमेन्स कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू फॉर्म अ वेलफेयर फंड बोर्ड फॉर द अपलिफ्ट ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट। किस राज्य में किसानों के उत्थान के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? और देश का पहला राज्य बना है केरल। कौन सा बना है? केरल बना है। और कैबिनेट ऑल्सो डिसाइडेड दैट डॉक्टर पी राजेंद्रन वुड बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ केरला वेलफेयर फार्मर वेलफेयर फंड बोर्ड। जो ये बनाया गया है, फंड बोर्ड बनाया गया है, इसके जो हमारे चेयरमैन बनेंगे वो कौन बनेंगे? डॉक्टर पी राजेंद्र जी बनेंगे। कौन बनेंगे? डॉक्टर पी राजेंद्र। मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे उनका। ठीक है, अब पहले यहाँ के केरला के हमारे मुख्यमंत्री हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कौन है? पी विजयन। और यहाँ के हमारे राज्यपाल, उनका नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। क्या नेम है? आरिफ मोहम्मद खान। अब यहाँ पे केरला में हमारे जो नेशनल पार्क आते हैं उनके नाम बता रही हूँ। केरला में नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारे पास आता है इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ का है? हमारा केरल का है। उसके बाद हमारे पास आता है पेरियार नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? हमारा केरल के अंदर है। तीसरा है हमारे पास साइलेंट वैली नेशनल पार्क, और ये भी कहाँ है? केरल में है। और लास्ट हमारा फोर्थ नेशनल पार्क जिसका नाम है अनामुदी शोला नेशनल पार्क। ये चार नेशनल पार्क है हमारे केरल के अंदर। अब आपको इसकी ट्रिक बता रही हूँ। केरल की वैली में शोल लेके गया और कूला करने लगा, पर बोला यार मूड नहीं था आने का। केरल की वैली में शोल लेके गया और कूला करने लगा तो बोला यार मूड नहीं था आने का। देखो, केरल की वैली, केरल के नेशनल पार्क है, वैली से बनेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, शोल से क्या बनेगा? अनामुदी शोला नेशनल पार्क, कुला से बन जाएगा हमारा इराविकुलम नेशनल पार्क, और पर बोला यार मूड नहीं था तो पर से बनेगा पेरियार नेशनल पार्क, और उसके बाद हमने एक चीज यहाँ पे देखी है आने का, आने से बनेगा अनामुदी शोला नेशनल पार्क। ये हमारे चार नेशनल पार्क हैं केरल के। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द विनर्स ऑफ द 2020 फ्रेंच ओपन मेन्स डबल टेनिस चैंपियनशिप। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष डबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेताओं का नाम बताइए। और 2020 के मेंस डबल कैटेगरी की बात की जाए तो ये जीता है केविन केवर्टिस ने और एंड्रिस मेयर्स ने। ये जीता है 2020 का हमारा मेंस डबल कैटेगरी का फ्रेंच ओपन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अंदर चलो केवल तुम टेनिस नहीं खेलना फिर, अंदर चलो तुम केवल टेनिस नहीं खेलना फिर से बनेगा फ्रेंच, अंदर से एंड्रिस मेयर्स का नाम और केवल से बनेगा केविन का नेम, यानी कि केविन और एंड्रिस ने क्या जीता है? फ्रेंच ओपन मेंस डबल कैटेगरी का चैंपियनशिप जीती है। अगला, इन अक्टूबर 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड अ कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹100 इन ऑनर ऑफ होम ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बर्थ सेंचुरी। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म शताब्दी पर निम्नलिखित में से किसके सम्मान में ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया है? और ये किया है उन्होंने विजया राजे सिंधिया जी के नाम पे। क्या किया है इन्होंने? सिक्का किया है लॉन्च, और थ्रू इन्होंने वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू इनको लॉन्च किया है। एंड ये लेडी कौन थी? शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द पुअर पीपल एंड शी प्रूव्ड दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नॉट बाय राजसत्ता बट फ्रॉम जनसत्ता, जनसेवा इज इंपॉर्टेंट। उनके लिए एक मोटो था कि राजसत्ता जरूरी नहीं है,
लोगों की जन सेवा करना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला, नेम द विनर्स ऑफ द 2020 फ्रेंच ओपन वुमेन्स डबल टेनिस चैंपियनशिप। अभी हमने देखा वुमेन सिंगल भी किया, मेन्स सिंगल भी किया, मेन्स डबल भी किया, बारी है वुमेन सिंगल की। 2020 फ्रेंच ओपन महिला डबल टेनिस चैंपियनशिप के विजेताओं का नाम बताइए। और ये जीता किसने है? जीते टीमिया बाबोस और क्रिस्टीना ने। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। टाइम से क्रिस्टल बचा लिया फिर तूने, यानी कि टाइम से बनेगा टीमिया बाबोस का नाम, क्रिस्टल, क्रिस्टल से बचेगा क्रिस्टीना का नाम, और फिर बचा लिया तूने, यानी कि फ्रेंच ओपन वुमेन्स कैटेगरी के अंदर इन दोनों ने ये चैंपियनशिप जीती है। अगला, विच हेल्पलाइन नंबर वॉज लॉन्च बाय द राजस्थान गवर्नमेंट फॉर द मेंटल हेल्थ मन संवाद। मानसिक स्वास्थ्य मान सम्मान के लिए राजस्थान सरकार ने किस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी? और राजस्थान सरकार ने जिस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है वो है 1800180018। ये क्या है? इनकी राजस्थान की हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। और यहाँ के हमारे राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, अगला, हु हैज वन द नोबेल प्राइज 2020 इन इकोनॉमिक साइंस। आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता है? इकोनॉमिक साइंस के अंदर 2020 का जो हमारा नोबेल प्राइज जीता है वो जीता है पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन ने इस साल का 2020 का हमारा क्या जीता है? इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज जीता है। और इनको किसके लिए दिया गया है? फॉर इम्प्रूवमेंट टू एक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स के लिए इनको इस साल का नोबेल प्राइज इकोनॉमिक साइंस का दिया गया है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रॉबर्ट ने इको अच्छे से पढ़ाता था पोल को, और नई नई इन्वेंशंस के बारे में भी बताता था। यानी कि रॉबर्ट और पोल, इन दोनों को क्या दिया गया? इकोनॉमिक साइंस का नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि इन्होंने इन्वेंशन की है न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स को। ठीक है, अगला, इंडियन ओरिजिन ह्यूमन राइट्स लॉयर प्रिस्किला जना हु पास्ड अवे इन अक्टूबर 2020 वर रिजाइनिंग इन विच कंट्री। जाने माने भारतीय मूल के मानवाधिकार वकील प्रिस्किला जान का निधन अक्टूबर 2020 में हो गया, वो किस देश में हुआ था? और ये कहाँ पे हुआ इनका? इनकी डेथ हुई है नॉर्वे के अंदर। अच्छा, अब नॉर्वे की बात हो रही है तो नॉर्वे की कैपिटल और करेंसी देख लेते हैं। नॉर्वे की हमारी कैपिटल क्या है? ओस्लो। और यहाँ की जो हमारी करेंसी है, करेंसी क्या है? क्रॉन। ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट है हमारे पास, हु वन द चेस 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप। शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? और 2020 की जो चैंपियनशिप जीती है वो जीती है निहाल सरीन ने जीती है। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है एंड्रयू टैंग को। और वो कहां से बिलोंग करते हैं? यूएस से बिलोंग करते हैं। निहाल सरीन क्या है? एक इंडियन है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। नई चेस में मत हारना, नई से बनेगा निहाल सरीन, जिन्होंने चेस की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीती है। अगला, नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इनॉग्रेटेड द डीबीटी बीआईआरएसी, दैट इज क्लीन टेक डेमो पार्क, कहां पे इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीबीटी बीआईआरएसी क्लीन टेक डेमो पार्क का उद्घाटन कहां किया है? और इन्होंने कहां पे किया है? दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया है। डीबीटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं यहां फुल फॉर्म लिख देती हूं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये क्या फोकस करेगा? इट विल फोकस ऑन डेमोन्स्ट्रेटिंग इनोवेटिव वेस्ट टू वैल्यू टेक्नोलॉजीज। दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल, और यहाँ के हमारे अगर डिप्टी सीएम की बात करूं तो उनका नाम है मनीष सिसोदिया जी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर विल द एनुअल मीट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 में कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा? 2021 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ होगी? और ये बैठक कहाँ होगी? ये होगी लुजेन बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड के अंदर। ये कहाँ पे होगी? ये मीटिंग होगी। और ये कब से कब तक की मीटिंग होगी, मतलब 2021 में कब होगी? ये होगी 18th टू
21 मई 2021 को ये की क्या की जाएगी, ये एनुअल मीटिंग होगी। ठीक है, चलो आज हमने 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। हमारे डेली अपडेट्स आपको वहां मिल जाएंगे, साथ ही साथ हमारी जितनी भी करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं उसकी आपको वहां पे सारों की पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।